हेलो फ्रेंड, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो में सीखेंगे कि किसी वर्ड के एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कलर कैसे दें एमएस पेंट में। दोस्तों, अगर मैं आप एमएस पेंट को ओपन करना नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे क्लिक करके कोई नाम मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे टेक देव। टेक देव लिखने के बाद मान लीजिए आपको इसकी साइज़ बढ़ानी, तो आप यहाँ पर जाएंगे, जब इस पॉइंटर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टॉप में यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा होगा, एक यहाँ पे राइट साइड में टॉप में दिख रहा है पॉइंटर, तो सभी जगह यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंटर्स दिख रहे होंगे। तो जब आप इस पॉइंटर के ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका कर्सर है वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने माउस से आप लेफ्ट बटन दबाकर इसको थोड़ा सा नीचे खींच लीजिएगा। नीचे खींचने के बाद आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस ए बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल ए बटन। ये प्रेस करने के बाद टॉप साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ फॉन्ट में, फॉन्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा होगा फंट साइज। आप यहाँ पे फंट साइज देख रहे होंगे इसमें 36 है, आप इसको चेंज करके यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर दिए 72। तो 72 करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये फंट साइज कुछ बड़ा हो गया है। अब इसकी लिखावट चेंज करते हैं, तो लिखावट चेंज करने के लिए आप देखेंगे तो फंट साइज के ऊपर जस्ट यहाँ पे दिया है इसका फंट फैमिली, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फंड फैमिली यानी कि लिखावट इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और कोई एक यहाँ पे लिखावट चेंज कर लिए, तो यहाँ पे है एरियल ब्लैक, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एरियल ब्लैक सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेच ऊपर है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे देव हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे राइट साइड में इसके लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे ये डाउन साइड में आ गया। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड जो बीच में यहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है, आपको यहाँ पे जाकर इसको खींच कर थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इसको बढ़ा लेना है, तो ये देखेंगे तो ये नाम ऊपर चलाएगा। तो अब इसमें हम कलर लगाते हैं। मान लीजिए हर एक करेक्टर में आप चाहते हैं कि अलग अलग यहाँ पे कलर्स लगाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए तो आप यहाँ पे चाहें तो जब आप नाम टाइप करते हैं तभी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी कैसे यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ई को कोई कलर देना है, तो ई को कलर देने के लिए आप ई के पहले या तो ई के आप राइट साइड में जहाँ पर मर्जी वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए आप ई के राइट साइड में क्लिक किए तो आपको अपने कीबोर्ड की से शिफ्ट दबाकर लेफ्ट एरो प्रेस करना है, तो ये ई सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ई के लेफ्ट साइड में कर्सर को रखें तो आपको शिफ्ट दबाकर राइट एरो प्रेस करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जब ये एरो आप प्रेस कर लेंगे तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको कलर देना है यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप इसमें कलर दे सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे कलर फिल हो गया होगा। वैसे ही सी को देना चाहते हैं तो सी के यहाँ पे देखेंगे तो सी के पहले क्लिक है लेफ्ट साइड, तो आप शिफ्ट दबाकर राइट प्रेस करेंगे तो ये सी सेलेक्ट हो जाएगा, और जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका आप जो है बाहर क्लिक कर देना, तो देखेंगे तो ये सिलेक्शन जो था अभी वो हट गया है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें आपको कोई कलर भरना है, तो कलर भरने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन पहले हम बताए थे पिछले वीडियो में कि फिल विथ कलर से भी आप कलर भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा, फिर से दूसरा कोई कलर तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा, फिर से कोई दूसरा कलर एंड क्लिक। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप इससे भी आप कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, इसके बाद आप जिसमें भी कलर भरना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, कलर भर जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई यहाँ पे नाम टाइप कर दिए, अब इसको क्या करना है, मान लीजिए आप इसका डुप्लीकेट फाइल निकालना चाहते हैं, डबल फाइल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे देखेंगे तो सेलेक्ट लिखा होगा नीचे, यहाँ पे सेलेक्ट है, सेलेक्ट के ऊपर यहाँ पे इसका आइकन दिया है, आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करिए। आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को आपको अपने माउस से सेलेक्ट कर लेना है इसे ड्रैग करके। तो जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका है इस सिलेक्शन के बीच में ये नाम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अगर ये सिलेक्शन के ऊपर रहेगा तो ये नाम आपका कट भी सकता है। इसके बाद अब कॉपी निकालना है, तो कॉपी निकालने के लिए आपको अपने कीबोर्ड की से कंट्रोल दबाकर आपको अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करना है और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका डुप्लीकेट कॉपी निकल जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी ऐसे निकालने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल भी दबा सकते हैं, या तो मान लीजिए आप चाहते हैं कंट्रोल ना दबाएं, उसके लिए आप कंट्रोल सी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और कंट्रोल वी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पर भी इसको रखना है आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं।
तो ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी जो कुछ बताना होगा प्रैक्टिकल, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल होगी, आप उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।